So I'm finally sitting down and reacting to Amazon Prime's Pontiac Season 3, Episode 1. And before we get started, I'm going to show you guys the disclaimer. It's all about fair use copyright law as well as YouTube policy. Let's get to it. I'm shocked. I'm going to go to the exam. I'm going to go to the exam. I'm going to adjust the exam. How are you doing? ताल मतलब कॉन्फिडेंस है ना? हाँ है इस बार तो। रिजाइन मार, घर बैठ के फाइनल की तैयारी कर। डायरेक्ट आया है मैं। फुल लाइव ब्रो, क्या हुआ? यार कुछ नहीं। अरे वर्क एक्स जितना लेना था ले चुका भाई। अब आगे फोकस कर। वही। क्या वही? He's hesitating because now he has ties. He has ties with his boss and his co-workers and Frankie, so he doesn't want to leave. वही यार अब करना है आगे focus. That's the spirit, bro. नहीं तो जीप की joining हो गई? आज ही है. यार तेरे पास वहाँ की इतनी accurate info कैसे है? तू अभी भी उनके touch में? भाई अभी discussion किया है हमने कि focus करना है आगे बढ़ना है. भूल जा फुलेरा को. हेलो हेलो हाँ प्रधान जी हाँ नया सचिव फोन काटती है कहाँ कुछ होती है हेलो हाय हेलो हाँ विकास साहब हो ना हाँ हाँ कौन नया सचिव यहाँ फोन काटती कुछ तो कर पड़ा है साला आपने चक्कर लगा क्या देख उससे थोड़ा क्या कर रहा है जी जी दूर से ही देखना पास जाने की जरूरत नहीं है अच्छा They're gonna treat him like a pariah. अरे ये सब नौटंकी काहे कर रहे हैं कर लेने दीजिए ज्वाइन अरे अगर एक बार उसका ज्वाइनिंग हो गया ना तो सचिव जी का लौटना मुश्किल हो जाएगा समझे जो मर्जी में आए करिए आप काहे घुस रहे हैं इन सब में तो कोई लड़ाई झगड़ा हो गया तो तुम संभालोगी चिल्लाने की वजह से तो है सचिव जी का ट्रांसफर तो अब हम सरकारी आदेश के खिलाफ जाके अपनी प्रधानी भी खत्म कर रहे हैं जिसे देखो हम पे चढ़ा जा रहा है It's not her fault. That guy was just being an asshole. The one who transferred him. Ah, एक लैट्रिन का सीट क्या बिछवा दिया सचिव जी तुम तो उनके लिए पसरे ही जा रहे हो ना ऐसा बात नहीं है वो सब भैया हम तो बस ये कह रहे थे कि वो बेचारा का गलती था कि था कि थोड़ा ज्यादा गुस्सा हो अरे काहे नहीं होंगे गुस्सा इतना आप कौन नया सचिव पंचायत ऑफिस तो आजकल ज्यादातर बंद ही रहता है प्रधान जी को काम धाम से कोई मतलब तो है नहीं सरकारी आर्डर है आज शाम 7 बजे से पहले हमको ज्वाइन करना है भाई So I already know what's going to happen. Bouchon or whatever his name is, let's just call him Crap Weasel. He is going to try to get on his good side and actually be the good guy and try to become allies. पता है क्या joining है? फिर भी आप इसमें ताला लटका है. बताइए. बताइए. बताइए भला. देख रहा है बिनो. हाँ. प्रधान जी गुस्सा दिखा रहे हैं. किस बात का गुस्सा? पिछले सचिव जी से प्रधान जी का करीबी थोड़ा ज्यादा हो गया था ना विधायक जी ने चट्टे ट्रांसफर करवा दिया अब थोड़ा गुस्सा तो बनता है भैया प्रधान जी भी बड़ा आदमी है अलुआ बड़ा आदमी प्रधान जी के घर जाके खुद चाबी ले आइए अरे ये कहा जाएंगे प्रधान जी के घर उनके नौकर थोड़े ना है नहीं है ना नौकर दिमाग को शांत कीजिए That's a very small cup. That's like a shot glass. ये भी कसवा है, ये भी कसवा है सचिव जी। आओ आओ जल्दी आओ, बनाते आओ।
काटा जी तुम? सीनियर से कैसे बर्ताव करते सिखाना पड़ेगा। आए जरूरी काम में लगे हुए थे इसीलिए। बकचोदी बतिया रहे हो हमसे, हमसे बकचोदी? एक फोन में कारण बताओ नोटिस जारी कर सस्पेंड करा देंगे समझे? ऑफिस का चाबी किधर है? हमको नहीं पता। अरे चाबी हाँ थोड़ा लाए था। सचिव जी कोई आपसे पूछे कि हथौड़ा कौन दिया तो हमारा नाम मत लीजिएगा, विनोद नाम है हमारा। लोग दूर से ही आनंद लिया जाए। ओ भैया ये सब चीज का आनंद दूर से लेना चाहिए। बोल रहा था ताला तोड़ देंगे, ले जाएं क्या? अरे नहीं मारपीट कर लेगा, चलो हम ही चलते हैं। दोनों के होते हुए आप सीधा सीधा भिड़िएगा अच्छा थोड़ी लगेगा। अल्लाह चाहे लेके जाते हैं हम तो रहेंगे, ज्यादा बात बिगड़ने नहीं देंगे। कभी ज्यादा नशे में दिखे तो बिल्कुल मत ले जाना। हाय का कम ज्यादा कुछ पता नहीं चलता है, दिन रात नशे में रहते हैं। ऑन ड्रग्स? ये काम करो पहले आपको समझा देना कि सिर भड़काएगा, मारपीट बिल्कुल ना करें। प्रहलाद को दिया हमारे यहाँ भी उनका खाना बना हुआ था। कोई नहीं हमारे यहाँ का खा लेगा आज। देखिए आपके और नया सचिव के बीच में जो बकझक चल रहा है उसमें प्रहलाद को मत घुसने दे। बिल्कुल भी नहीं। ना ना अरे ना यार तुम इस तरह की बातें चुपाई किया करो समझे? जाओ निकलो यहाँ से चुपाई। So his hair and his beard has grown in, so it has been at least a few months probably since his son died. So is it he's getting drunk or he's getting high? I mean, there is a difference. Office se tala todne ja raha hai. How often does it rain in this part of India during the dry season of the summer? बड़ा मजबूत ताला है भैया। एक एक कप चाय और बोला जाए तुरंत न खैनी खाए भैया, थूकना पड़ेगा। Might as well get some popcorn and soda also. रुकिए मत लगे रहिए। लगे रहो लगे रुकूंगा भाई, तोड़ो तोड़ो मजबूत ताला है थोड़ा समय लगेगा। थोड़ा संभल के दरवाजा ना टूटे। तू बांस काट के ले आओ। बांस? मोटा वाला। हाँ कितना लंबा? छह फुट ले आओ। 6 फुट ठीक रहेगा। और आगे से नुकीला रखना। हाँ। Very intimidating. कहाँ गुंडई चल रहा है? अभी गुंडई चालू कहाँ की है? बांस कहाँ मंगा रहे? अब तुमको पता चल जाएगा, तुम तोड़ो। देखिए विधायक जी का हाथ है हमारे सर पर। हाँ कहाँ है हाथ, दिख तो नहीं रहा है। Are those two different instruments? Ali courier sir. Beta, kya naam rakhe iska? Chhod apne naam dijiye papa. Sindh ka sitara.
What does that name mean? Keval Sitara. Keval Sitara. एक इमरजेंसी कॉल है। मेरा मिला सचिव मिला था ना, उसका फोन आया था। इस साला इतना मन बढ़ गया है सुपरधान का, हैं? अरे इसको भी दिखा दे। फुलेरा घुस के मारना है सबको, सुझा देंगे चेहरा, फुला देंगे चेहरा आ जाओ, समझे कि नहीं? लेकिन विधायक का क्या विधायक जी? विधायक जी शहीद फौजी का बाप है वो। शहीद फौजी का बाप है तो क्या हमारे कंधे पर बैठ के यूनिट पास करेगा? नहीं नहीं विधायक जी, हम कह रहे थे ना कि डीएम से बोल के कंप्लेन करते हैं ना कि वो ज्वाइनिंग नहीं होने दे रहे हैं सब। आप कहाँ छोटी छोटी चीजों में घुस रहे हैं? आप विधायक है महाराज, घंटा भर में आपको कचहरी भी तो पहुंचना है। अरे अरे डीएम को फोन लगा, लगा मैं बात करना। I forget, who is the DM? What is that again? Start maro. Baja baja. District. Hello. Kaun se tujhe aaya apna kee ke dilan na ho. Hello. Kaun bol rahe hain? Tera Manju Devi se baat karaiye. अरे तुम करा ही देंगे, लेकिन पहले आप ही बताइए आप कौन बोल रहे हैं? आप कौन बोल रहे हैं? जिसका फोन है वही तो बोलेगा ना। हम मंजू देवी का हस्बैंड बोल रहे हैं, अब बताइए कि आप कौन बोल रहे हैं? हम डीएम बलिया हैं। और यहाँ रिकॉर्ड में मंजू देवी के नाम के आगे आपका नंबर क्यों लिखा है? वो मंजू देवी आपके सामने से वही बताएंगे। She's the woman. I remember her. हाँ मैडम। क्या गुंडागर्दी चल रही पंचायत ऑफिस में? कैसा गुंडागर्दी? अरे कभी ऑफिस आइएगा तब तो पता चलेगा। पर हुआ क्या है? आप अपने उप प्रधान को लेके मेरे ऑफिस पहुंचिए अभी के अभी। This is exactly what she did not want to happen. Yeah, I think he's in trouble later. प्रहलाद, क्या हो रहा है इधर? क्या हुआ? मैडम ये हमको धमकाए हैं। तो तुम बताओ क्या हुआ? साहिब नहीं विकास धमकाए हैं कुछ भी कहा धमका रहे उसको भेजे हैं इतना बड़ा वो पूछे जरा इनसे कहा करने वाले थे हमारे साथ। और हाँ जैसा कि हम करने देते इतना हल्के में ले रहे हमको आए एक फोन में सीधा कर दिए एक फोन में आपके ट्रांसफर रुकवाने के लिए लड़ाई हो रहा है। हमारा शकल नहीं देखना चाहते हम जाते बना बना काम बिगड़ जाता। हाँ गलती हुआ है। आप ये भी तो देखिए विधायक बिना मतलब सचिव जी का ट्रांसफर करवा दिया। मैडम हमारा जवाब आज भी वही है जो 15 दिन पहले था। इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। विधायक बहुत बदतमीज आदमी है और हमें उससे नहीं उलझना है, बस बात खत्म। प्रहलाद जी अरे आप एक शहीद के पिता हैं, आपको ये सब शोभा नहीं देता। मैडम हमको कुछ फर्क नहीं पड़ता, अगर विधायक का सचिव ज्वाइन करेगा तो उसका हाथ पैर टूटेगा, इसलिए चाहे हमको जेल जाना पड़े हम जेल चले जाएंगे। वैसे भी हमारे लिए कुछ बचा नहीं बाहर। विधायक जी का फोन आया था और बोला है कि उसके कचहरी से लौटने के पहले नए सचिव की जॉइनिंग हो जानी चाहिए वरना वो सीएम ऑफिस में कंप्लेन कर देगा। पीएम ऑफिस में जाकर कंप्लेन कर ले उससे क्या होता है, जॉइनिंग नहीं होगी तो नहीं होगी। सचिव जी तो वैसे भी 4-5 महीने में जाने ही वाले थे। तो 4-5 महीने बाद चले जाएं भाभी, समय पहले कौन नहीं जाएगा। मैडम सबकी तरह हमारी भी नौकरी हैंडल करने के लिए इससे भी बड़े प्रॉब्लम है। सॉरी पर हम इन सब में नहीं पढ़ना चाहते, जरा इनका भी ध्यान रखिएगा। अभी चल के नया सचिव का चाइनिंग कराना है। पर भाभी
प्रहलाद, बात खत्म मतलब बात खत्म। विकास हाँ, आप इसका चाबी लेके आओ। ठीक है, आपका ज्वाइनिंग करा देते हैं अभी, लेकिन अगर काम में किसी तरह का अड़ंगा डाले। और हम कहाँ लगाएंगे अड़ंगा? और मैडम हमको धमकाना बंद कीजिए। अब तक तो आपके समझ में आ ही गया होगा कि हम कोई छोटा मोटा आदमी नहीं, विधायक जी का हाथ है हमारे सर पर। ये मार्केट में तो आपने देखा ही होगा, वहीं से तो आ रहे हैं। है? काम करो, विधायक जी को बोलो कि सर से जो है हाथ हटा दे। काहे? और इतना सर फोड़ना मत। कुछ नहीं, सब ठीक चल रहा है यहाँ तो। नहीं, आवाज तो कुछ नहीं है, वो प्रहलाद हैंडपंप चला रहा है। नहीं, अभी ज्वाइन तो नहीं किए हैं, लेकिन करवा रहे हैं, बहुत शांतिपूर्वक करवा रहे हैं ज्वाइन। कौन सा केस है? जी ससुर है जी। जय हिंद। जय विधायक कचहरी गया था हियरिंग के लिए ना, तो उसमें जो केस चल रहा था उसमें वो दोषी पाया गया। और मैडम ने कहा है कि अब बस उसका विधायक तो गया समझो। सचिव जी का ट्रांसफर? ट्रांसफर मैडम ने कहा हम रुकवाएंगे। तो इसका क्या कर रहे हैं? इनका करना जो करो, निकल ले। कहा होने लगा तो फिर से मार के भगाने लगे। वही है का रंगबाजी है। ट्रांसफर रुक गया, छोड़ दीजिए चला। सचिव जी, ट्रांसफर कैंसिल हो गया आपका। क्या हुआ, खुश नहीं है? नहीं नहीं, खुश हूँ। आपका फोन है। क्या हुआ, कैसे रुका ट्रांसफर? अरे वो विधायक है ना, वो एक केस में जेल चला गया। क्या? कैसे? बस भगवान से प्रार्थना किए थे तो चला गया। वो विधायक है ना, वो मर्डर के केस में अंदर चला गया। मर्डर? किसका मर्डर? अपने पड़ोसी के कुत्ते का मर्डर। उसका कुत्ता जब भी उसको देखता था तो जोर जोर से भौंकने लगता था। तो इतनी सी बात के लिए मरवा दिया उसने? और क्या, विधायक को गुस्सा आता था तो उसने उसको एक रात को किडनैप किया और गायब करवा दिया। फिर कितने साल की सजा हुई उसको? शायद 2 साल। 2 साल तो कम दे दिए इस क्राइम के लिए। पता, लेकिन अभी तक कुत्ते की डेड बॉडी नहीं मिली है। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि वो कुत्ते को मार के खा भी गया। क्या दरिंदा सही में। अब बताओ कोई ऐसे कैसे कर सकता है? फिर वो नया सचिव को चला गया। आपका ट्रांसफर तो रुक गया। सही। और वहाँ पे क्या हो रहा है फिर बाकी? सब बढ़िया है। आप सुनाइए, आप कैसे हैं? यार सब सही है, दिल्ली में तो। तो फिर आप फ्लेरा कब आ रहे? People are horrible. We're in the pet emergency room. A couple days ago, and we saw a dog that was thrown out of a moving car. And a Marine veteran and his wife actually saw it happen, and they took responsibility and they brought this poor, sweet little puppy to the emergency room. So, no surprise, the secretary's transfer order got canceled, but we already knew that was going to happen because we saw it in the trailer. But in terms of the legislator going to prison, his character is so interesting and evil and good for the show that I doubt he's going to be gone long. I would not be surprised if we saw him later on in the season or in future seasons. What do you guys think? Thanks for watching, and once I react to episode 2, I'll put it right here.